कंपटीशन कम्युनिटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला गुप्ता आपके समक्ष जीव विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन है, सेल्युलोज की बनी कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि निम्न में से किस जीव में सेल्युलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शंस हैं जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई और लास्ट है पौधे। तो सेल्युलोज की बनी कोशिका भित्ति जो होती है वो पाई जाती है पादपों में यानी पौधों में। तो क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौधों में। और वहीं हम ये देख लेते हैं कि इन जो जीवों में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी किस चीज़ की होती है। तो जैसा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जंतु, तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में जो सबसे बाहरी परत होती है या जो झिल्ली होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जंतुओं में तो अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। दूसरा है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन का। थर्ड ऑप्शन था हमारा फंजाई मतलब कवक, तो फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और वहीं वो कवक या फंजाई में जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, और पौधों में सेल्युलोज की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है, मतलब कौन सा कोशिकांग है जिसे एटम बम कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं गोल्जीकाय, लाइजोजोम, न्यूक्लियोलस या राइबोसोम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लाइजोजोम को एटम बम कहा जाता है कोशिका का, मतलब कोशिका का एटम बम जो है वो कौन कहलाता है, वो लाइजोजोम कहलाता है। लाइजोजोम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो आइए देखते हैं वो कौन से अन्य नाम हैं। हमने अभी देखा कि जो लाइजोजोम है उसे एटम बम के नाम से जाना जाता है, तो लाइजोजोम जो है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो लाइजोजोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, या इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसी के साथ साथ इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हम कहते हैं पाचन थैली। इंग्लिश में हम देखें तो इसे कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग। मतलब एक कोशिकांग ऐसा है जिसे तीन अन्य नामों से जाना जाता है, जैसा लाइजोजोम को पहला तो एटम बम कहा जाता है कोशिका का, वहीं इसे आत्मघाती थैली और पाचन थैली भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे और भी जो अन्य कोशिकांग हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। पहला जो ऑप्शन था गोल्जीकाय, गोल्जीकाय जो है उसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। गोल्जीकाय को ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि अंतःप्रद्वयी जालिका पर जो प्रोटीन्स बनते हैं या जो वसा बनते हैं उनका कोशिका के अंदर जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है या जहाँ उनकी आवश्यकता है, गोल्जीकाय का कार्य होता है उन प्रोटीन्स और वसा को वहाँ तक पहुँचाना। इसीलिए गोल्जीकाय को कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थ्री था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है उसे केंद्रिका भी कहा जाता है, और ये जो केंद्रिका होती है ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, मतलब कोशिका के मध्य में या अंदर जो न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस भी कहा जाता है। यही जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है, ये आरआरएनए बनाने का काम करता है। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोशिका में अंतःप्रद्वयी जालिका नाम की एक कोशिकांग पाया जाता है, उसी अंतःप्रद्वयी जालिका पर अगर राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो उस अंतःप्रद्वयी जालिका को हम खुरदरी अंतःप्रद्वयी जालिका कहते हैं, और वही अंतःप्रद्वयी जालिका जो है वो प्रोटीन बनाने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतःप्रद्वयी जालिका पर राइबोसोम्स उपस्थित हैं तो वो प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे, इसीलिए
राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इतना हमें सबको पता है कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और उसी केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए होता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि केंद्रक के अलावा डीएनए और किस कोशिकांग में पाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं आपके लाइसोसोम, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया या तारक केंद्र। तारक केंद्र को सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और कोशिकांग है, मतलब कहने का ये है कि केंद्रक के अलावा अन्य ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनमें खुद के डीएनए पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रक को छोड़ के और किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली जंतु कोशिका में, ठीक है। अब क्या होता है कि पादप कोशिका में एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। तो अगर प्रश्न में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक दिया होगा तो वो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया की जगह अगर हरित लवक दिया हो तो हरित लवक आप उसको चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? मतलब कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे हम कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी संपूर्ण कोशिका। तो सही उत्तर है इसका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी बनाने का कार्य करता है और एनर्जी सिंथेसिस या एनर्जी का संश्लेषण करता है। और वो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी के फॉर्म में बनती है, और एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया चलती है जिसके दौरान क्या होगा कि एनर्जी या ऊर्जा का संश्लेषण होता है या ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह ऊर्जा जो होती है वह एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी जो है वो कहलाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिन जो कि दूसरे कई नामों से जाने जाते हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है, बल्कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है या हरित लवक जो है उसमें एक वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये जो क्लोरोफिल होती है ये क्या करता है, यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर या किचन हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट ऑप्शन था केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। तो केंद्रक को, न्यूक्लियस को या केंद्रक को नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, मतलब कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस ऐसा कोशिकांग है जो कि पूरे के पूरी कोशिकाओं में जितनी भी प्रक्रिया, जितनी भी रिएक्शन जो होती हैं वो चलती रहती हैं, उन्हें वो कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक संतति से दूसरी संतति में पास ऑन होता है, वो भी केंद्रक में पाया जाता है, इसीलिए
केंद्र को नियंत्रण कक्ष कहा जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गुणसूत्र का प्रत्येक धागे नुमा भाग एक दूसरे से किस बिंदु पर संलग्न रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है उसमें कौन सा ऐसा भाग है जिसमें कि जो धागे नुमा रचनाएं होती हैं वो जुड़ी होती हैं, तो उस भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, क्रोमैटिड या इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम ये देखते हैं कि गुणसूत्र का स्ट्रक्चर या संरचना होती कैसे है, फिर हमें इसका आंसर खुद ब खुद समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि क्रोमोसोम का ऐसा कौन सा भाग है जिससे कि जो धागे नुमा रचना होती है क्रोमोसोम में या गुणसूत्र में वो जुड़ी होती है। तो ये है क्रोमोसोम या गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये जो है ये जो आर्म्स कहलाते हैं गुणसूत्र के या क्रोमोसोम के या जो धागे नुमा रचनाएँ होती हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड। और ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोमियर। मतलब गुणसूत्र का वह भाग जिससे कि धागे नुमा रचनाएं जुड़ी होती हैं उन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके केंद्रक, केंद्रिका, रसधानी, गोल्जिकाए। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोलस होता है या केंद्रिका होती है वो आरएनए का निर्माण करती है, राइबोसोमल आरएनए का। तो हमने तो आंसर वहीं पे देख लिया था कि इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। मतलब राइबोसोम का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है, वो केंद्रिका में होता है और केंद्रिका जो संरचना है वो केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि डीएनए में जो शुगर पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शंस हैं आपकी ग्लूकोस, फ्रुक्टोस, डिऑक्सीराइबोस या राइबोस। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो डीएनए है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए भी जो है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। तो इस प्रश्न के द्वारा हम बहुत सारे प्रश्नों के आंसर ढूंढ सकते हैं। वो इस तरीके से कि डीएनए की जो संरचना है उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, इसे देखकर हम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता हो। हमने देखा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डीएनए में जो शुगर पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो आइए हम पहले ये देख लेते हैं कि जो डीएनए और आरएनए होता है वो एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं या न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। डीएनए में और आरएनए में जो होते हैं सेम कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंस कुछ ही चीजों का होता है, तो वो हम देख लेते हैं। ये जो होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, वो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षार कहा जाता है जैसे, दूसरा होता है शुगर या शर्करा और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो आरएनए में भी पाई जाती हैं। डिफरेंस सबसे पहला कहाँ होता है, वो होता है शुगर में और दूसरा होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। और वहीं अगर हम आरएनए में देखें तो यहाँ पर पाया जाता है राइबोस शुगर, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस जो होता है वो होता है नाइट्रोजन क्षार में। नाइट्रोजन क्षार में क्या होता है, कुछ बेसिस पाए जाते हैं, वो डिफरेंस होता है कहाँ पे, डीएनए और आरएनए में। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है वो थाइमिन पाया जाता है, तो थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सी राइबोस शुगर। और वहीं अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि आरएनए में कौन सा शर्करा या शुगर पाई जाती है, तो उसका उत्तर होता राइबोस शुगर, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो वो है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, मतलब आनुवंशिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कौन, ग्रेगोर जॉन मेंडल। इसके साथ साथ हम कुछ ये भी देख लेते हैं कि जो अन्य यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। जैसा कि हमने देखा कि आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है ग्रेगोर जॉन मेंडल।
कुछ क्वेश्चंस इनसे भी देख लेते हैं हम। ग्रिगोर जॉन मेंडल जो है, इन्हें हमने क्या कहा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किस जंतु पे किए थे, तो उन्होंने एक प्लांट पे किए थे जिसे हम पी प्लांट कहते हैं, मटर का पौधा। और इस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सेटाइवम। ठीक है, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने जिस पौधे पे कार्य किए थे वो था पाइजम सेटाइवम, जिसे कि हम पी प्लांट भी कहते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि ग्रिगोर जॉन मेंडल ने जिस प्लांट पे काम किया था उस पौधे का नाम क्या था, तो उस पौधे का नाम था पी प्लांट, या गार्डन पी भी कहते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पाइजम सेटाइवम। इसमें जो अन्य नाम दिए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर बी जो है, यूगो डी व्रीज। यूगो डी व्रीज जो थे ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था, इन्होंने बताया था म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी का मतलब ये होता है, या इसे हम हिंदी में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में जो नए जंतुओं का निर्माण होता है कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ, ठीक है, तो वो जो निर्माण होता है या विकास होता है वो क्यों होता है, तो उन्होंने, ह्यूगो डी व्रीज ने इसी सिद्धांत के थ्रू, जिसे म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहा जाता था, उसके द्वारा उन्होंने यह समझाया था। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत बताया था, जिसे हमने बहुत बार सुना भी है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्रू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो थ्योरी थी ये दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। या हम ये कह सकते हैं कि जैव विकास का सिद्धांत या क्रम विकास का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, आनुवंशिकता की इकाई मतलब यूनिट ऑफ जेनेटिक्स को क्या कहते हैं, तो ऑप्शंस हैं आपके गुणसूत्र, डीएनए, जीन और केंद्रक। तो ये सारी जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो इनमें ये पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सारी जो दी हुई हैं ये सभी सिर्फ केंद्रक को छोड़ के डीएनए, गुणसूत्र और जीन जो है ये सभी आनुवंशिकता के ही पार्ट होते हैं, तो इनमें सबसे छोटा या सबसे यूनिट जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जीन। क्यों? क्योंकि जो जीन होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है आनुवंशिकता की। तो आइए हम ये देखते हैं कि गुणसूत्र, डीएनए और जीन में रिलेशन क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस या केंद्रक में आनुवंशिकता की, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और इसी आनुवंशिक पदार्थ को हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन होता है ना, ये धागे नुमा रचना होती है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट जब कोशिका विभाजन होनी है तो कोशिका विभाजन में आनुवंशिक पदार्थ जो है उसका डिवीजन जो होता है या उसका विभाजन जो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कोशिका विभाजन है ही वो, मतलब विभाजित करना क्या किसे है हमें, तो यहाँ पे मेन जो हमें विभाजित करना है वो हमें करना है आनुवंशिक पदार्थ को। इसीलिए ये जो क्रोमैटिन है, जैसे ही कोशिका विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है, तो ये जो क्रोमैटिन होता है ये गुणसूत्र में बदल जाता है, और गुणसूत्र का एक डिजायर्ड या अप्रोप्रिएट नंबर होता है हर जीवों में। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस में इसका नंबर जो होता है वो होता है 46, या हम इसे ये कह सकते हैं कि यह 23 पेयर्स या 23 जोड़ियों में पाया जाता है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये गुणसूत्र का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही स्ट्रक्चर देखा था, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। अब गुणसूत्र हमने देख लिया, क्रोमैटिन देख लिया, डीएनए क्या होता है, इसी गुणसूत्रों में डीएनए जो होता है वो क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड जो होता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये हुआ डीएनए। अब डीएनए में बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ एक जो जीन है वो पाया जा रहा है जो कि एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये जो जीन हो गया, मतलब सबसे छोटी इकाई जो है वो है जीन, उससे बड़ी डीएनए। डीएनए किस में पाया जाता है, वो गुणसूत्र में। अब गुणसूत्र और क्रोमैटिन जो है वो एक ही चीज़ होती हैं,
सिर्फ डिवीजन या जो अंतर है वो ये पाया जा रहा है कि कोशिका विभाजन जब नहीं हो रहा होगा तो आनुवंशिक पदार्थ क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय आनुवंशिक पदार्थ जो है वो गुणसूत्र के रूप में या क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है सी, जीन। आनुवंशिकता की इकाई जो है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मतलब डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो निम्न में से किन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शंस में जो है वो है एचजी खुराना, सेकंड है वॉटसन एंड क्रिक, थर्ड बारबरा मैक क्लिंटॉक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक के द्वारा जो है वो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना या डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था। डबल हेलिकल मॉडल मतलब डीएनए की जैसे कि हमने सबने संरचना देखी है, तो ये जो संरचना थी इसे कहा गया था डबल हेलिकल मॉडल और ये प्रपोज किया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। एक ऑप्शन दिया हुआ है बारबरा मैक क्लिंटॉक। इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक प्रकार की जीन होती है जिसे हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जंपिंग जीन्स कहते हैं। तो ये जो जीन्स होती हैं इन्हें हम प्लवमान जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवमान जीन। तो ये जो जंपिंग जीन्स हैं या प्लवमान जीन हैं इनके सब बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो उनके उसके बारे में बारबरा मैक क्लिंटॉक ने बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने दो क्वेश्चंस ना देख लिए कि जो डबल हेलिकल मॉडल या द्विकुंडलित संरचना है डीएनए की वो दी गई है किसके द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, और वहीं बारबरा मैक क्लिंटॉक ने जंपिंग जीन्स या प्लवमान जीन्स के बारे में सबसे पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है WBC में कमी, रुमेठी हृदय रोग, हीमोग्लोबिन स्तर में कमी या रक्त का स्कंदन न होना। तो हीमोफीलिया जो एक आनुवंशिक विकार है एक प्रकार का, उसमें क्या होता है, रक्त का स्कंदन नहीं होता। जैसा कि अगर कि हमारे हाथ कट जाएं या फट जाएं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का बहाव जो होता है, रुधिर का बहाव जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, बट हमने देखा है कि कुछ सेकेंड्स में ही क्या होता है, रक्त का स्कंदन होता है या ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसके कारण ब्लड लॉस नहीं होता, बल्कि हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनमें ये जो रक्त का बहाव होता है ये बहुत मिनटों तक या घंटों तक, इवन 24 घंटों तक भी रुक नहीं पाता। इसीलिए हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसे रॉयल डिसीज़ या ब्लीडर्स डिसीज़ भी कहा जाता है। तो हीमोफीलिया को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, कौन से नाम, रॉयल डिसीज़ या ब्लीडर्स डिसीज़। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्त का स्कंदन न होना। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, गोल्जिकाए, लाइसोजोम, राइबोसोम या कोशिका भित्ति। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, बल्कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। इसी प्रश्न से हम और देख लेते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग जो हैं जो कि पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। तो एक डिफरेंस चार्ट बनाते हैं हम, एक है प्लांट सेल, पादप कोशिका और दूसरा है एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है वो प्रेजेंट है, यहां पे क्या है वो एब्सेंट है। दूसरा हमने देखा कि और क्या होता है कि एक प्रकार का बोलना चाहिए सेंट्रोसोम पाया जाता है जिसे तारक केंद्र कहा जाता है। तो जो ये सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में एब्सेंट होता है, जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है। एक प्रश्न और यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, जो ऊर्जा संग्रहित होती है तो पादपों में ऊर्जा को संग्रहित किस रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे स्टार्च के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे ये
ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। तो हमने यहाँ एक प्रश्न से तीन प्रश्न बनाए हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। वहीं सेंट्रोसोम जो है वो अनुपस्थित होती है कहाँ? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। इस सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? तो सेंट्रोसोम जो होती है वो कोशिका विभाजन में मदद करती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का संग्रहण जो होता है पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में किया जाता है और जंतु कोशिका में वो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों या सेल ऑर्गेनलीज में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से कोशिकांग जो होते हैं वो मदद करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि सपोज कीजिए ये एनिमल सेल है और ये जो है ये क्या है, ये केंद्रक है। तो केंद्रक के सरफेस से ही या सतह से ही क्या होता है, एक प्रकार का कोशिकांग जो है वो निकलता है, जैसे हमने क्या कहा है, अंतःप्रद्वयी जालिका। अब इसी अंतःप्रद्वयी जालिका पे क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर ये राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं तो ये दोनों मिलके प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, ठीक है। और वहीं एक और अंतःप्रद्वयी जालिका पाई जाती है जिसके सतह पे क्या होता है कि राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो इसे हम क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्वयी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसे हम, अगर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्वयी जालिका और राइबोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्वयी जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। मतलब थैलेसीमिया के जो रोगी हैं उनके शरीर में किस चीज़ की संश्लेषण की क्षमता जो होती है वो नहीं होती है? तो ऑप्शंस हैं प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हार्मोन या विटामिन डी। तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं जो कि रुधिर में पाई जाती हैं, उनका सबसे मेन जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन जो होता है ये गैसों के परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है पूरे शरीर में वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। और थैलेसीमिया के पेशेंट में किस चीज़ की संश्लेषण नहीं हो पाती, तो वो होती है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुणसूत्र संख्या 21 की गुणसूत्रता या त्रिगुणसूत्रता मानव में किस सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होती है? कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में या मनुष्यों में, इनकी कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं? इनकी पाई जाती हैं 23 जोड़ियां, मतलब 23 पेयर्स ये पाए जाते हैं। अब ये जो 23 पेयर्स है इसका जो 21st क्रोमोसोम है या 21st गुणसूत्र है, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, ये त्रिगुणसूत्र हो रहे हैं। जैसे कि ये जोड़ियों में पाई जा रही हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये इस तरीके से जोड़ी में पाए जाते हैं। त्रिगुणसूत्रता हो रही है मतलब दो के बजाय तीन क्रोमोसोम्स जो हैं वो 21वीं जोड़ी बना रहे हैं। तो इसके कारण जो सिंड्रोम होता है उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, और इसी डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलॉइड इडियोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोलॉइड इडियोसी या मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, डाउन सिंड्रोम। मतलब 21वें क्रोमोसोम की अगर त्रिगुण सूत्रता हो जाए तो उसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम। इसमें कुछ अन्य सिंड्रोमों के नाम भी दिए हुए हैं तो हम उसे भी देख लेते हैं। जो अन्य सिंड्रोम दिए हैं वो है सबसे पहला टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है, जैसा कि क्या होता है कि इस 23 जोड़ियों में
जो शुरू की 22 जोड़ियां होती हैं, ठीक है, जो 22 जोड़ियां होती हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं या समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। और जो 23rd पेयर होता है उसे कहते हैं हम लिंग गुणसूत्र। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो लिंग गुणसूत्र हैं, अब ये भी देखने के लिए है कि अगर मेल है तो मेल में ये पेयर पाए जाते हैं XY और फीमेल में यह पाया जाता है XX। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक जो होता है वो डिलीट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उसे हम लिखते हैं 44+X, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं 45, एक कम पाया जा रहा है। तो इसके कम पाए जाने के कारण जो सिंड्रोम होता है उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और इससे प्रभावित कौन होता है? तो इनसे प्रभावित मतलब इस सिंड्रोम से प्रभावित कौन होता है? तो वो होती हैं फीमेल्स या महिलाएं। तो इतना समझ में आया आपको कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है XX, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाने के कारण टर्नर सिंड्रोम होता है, और इस टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होती हैं मोस्टली महिलाएं या फीमेल्स। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आइए देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि हमने मेल्स में देखा था XY होते हैं, तो यहाँ पे ये जो X है इसका नंबर क्या होता है? डबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है? त्रिगुण सूत्रता हो रही है, बट इंक्रीज कौन सा क्रोमोसोम हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है? ये डबल एक्स हो जाता है, जिसके कारण नंबर जो है वो 46 की बजाय 47 हो जाता है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 44+XXY। और इससे प्रभावित कौन होता है? तो इनसे प्रभावित होते हैं मोस्टली मेल्स या पुरुष, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र एक्स होता है वो डबल हो जाता है, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 के बजाय 47 हो जाते हैं, और यह जो सिंड्रोम है वह कहलाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इससे इफेक्टेड जो होते हैं वो होते हैं मेल्स। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट FTR में हम फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।